गंगा के बढ़ते जल स्तर से परेशानियां बढ़ गई हैं। गंगा पर बन रहे रेल कम रोड ब्रिज तक बाढ़ का पानी पहुंचने से निर्माण कार्य 2 दिनों से ठप है। कार्यदायी संस्था ने अपने कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। अगर यही स्थिति रही तो परियोजना का निर्माण कार्य जल स्तर के सामान्य होने तक बंद रहेगा। इस रेल कम रोड ब्रिज का डैप स्लैब तथा इरेक्शन आदि का काम पूरी तरह से ठप है। इस परियोजना का 7 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है। नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य जगहों पर काम सुचारू तरीके से चल रहा है। इससे पहले भी वर्ष 2016 एवं 2019 में बाढ़ के कारण परियोजना करीब 20 दिन तक प्रभावित रही थी। कभी बाढ़ तो कभी कोरोना संक्रमण के चलते कार्य प्रभावित हो चुका है। इसकी वजह से परियोजना का निर्माण की अवधि 1.5 वर्ष बढ़ा दी गई है। इस संबंध में SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर अमनदीप गोयल ने बताया कि बाढ़ के चलते पिछले 2 दिनों से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। जल स्तर सामान्य होने के बाद कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें।